क्लियर? तो चलिए मैं नोट लिखना चालू करता हूं। लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था? लास्ट क्लास में बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा था और बैलेंस शीट के आगे नोट भी लिखा था और बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं वो भी समझा था। अब नोट नंबर वहां पे मैंने लिखा था 1, ठीक है? नोट नंबर 1 मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। नोट नंबर 1 और आपने भी इसी तरीके से बना लेना है। करना क्या है? सिंपली और जो मैं यहां पे बनाऊंगा ना ये लास्ट में नोटिंग करो तो ज्यादा बेहतर है। लास्ट में नोटिंग करोगे ना तो ज्यादा बेटर है। बातें नहीं करना, बिल्कुल ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा पर्टिकुलर, या पहले लिखा मैंने नोट नंबर, नोट नंबर 1। अब मुझे आप बताएंगे नोट नंबर 1 किसके आगे लिखा था, याद है? लास्ट क्लास में बैलेंस शीट ओपन करिए, शेयर कैपिटल। कैसे होगा ये? हर किसी को विजुअल है पूरा, कमेंट में भी लिख देना आप, क्योंकि आज मैं थोड़ा छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूं, मुझे स्पेस ज्यादा चाहिए और ज्यादा नोट है। शेयर कैपिटल में सबसे पहला पॉइंट ऑथराइज कैपिटल। सर ऑथराइज कैपिटल में क्या हो सकता है? यहां पे नंबर हो सकता है हमारा, क्या क्या ऑथराइज कैपिटल में हो सकता है हमारा? इक्विटी, शेयर कैपिटल और एट द रेट, यानी 10 रुपये का है तो 10, और यहाँ क्या लिखेंगे? नंबर। और क्या हो सकता है ऑथराइज कैपिटल का पार्ट? सेम देखा जाए तो ऑथराइज कैपिटल का पार्ट हो सकता है हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट 10। मेरे हिसाब से अभी तक जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो समझ चुके होंगे कि ESC में किसको लिखता हूँ और PSC में किसको लिखता हूँ, ठीक है ना? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नंबर 2 पे आएंगे, सब्सक्राइब सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सर सब्सक्राइब्ड के अंदर भी 2 ही पार्ट हो सकते हैं ना? क्या क्या हो सकते हैं? मे बी पॉसिबल है इक्विटी शेयर कैपिटल और जो भी रेट गिवन हो, और मे बी पॉसिबल हो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो भी रेट गिवन हो। इसके बाद आपने यहां से माइनस कर देना है, लेस कर देना है कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। अब मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हैं, जिन्होंने शेयर कैपिटल के अंदर मैंने बैलेंस शीट बनाया था ना, तो उसके अंदर नोट्स टू अकाउंट्स बनाने का थोड़ा सा स्टाइल चेंज था। यहां पे आपको कॉल्स इन एरियर, शेयर फॉर फीचर वो सारी चीजें नहीं होगा। तो सिंपली जो आपको बनाना है इस चैप्टर से रिलेटेड मैं वो लिख रहा हूं, और फर्दर आने वाले जितने भी चैप्टर है, चाहे रिकंस्ट्रक्शन हो, चाहे होल्डिंग करें, चाहे आपका एमलगेमेशन करें, चाहे आपका बोनस बायबैक, जो भी हो सब में वही बनेगा, सिर्फ इक्विटी शेयर वाले को छोड़ के। उसका थोड़ा पैटर्न अलग है तो उसको देख लेना, सिर्फ उसमें नोट 1 ही बनाते थे हम। अब देखें इसका टोटल यहां करेंगे, इसका टोटल यहां करेंगे, सो दैट इसका टोटल यहां आ जाएगा। अब इसका टोटल क्या होगा? यहां आ जाएगा, इसका टोटल यहां आ जाएगा, और कुछ माइनस करना हो कॉल सिनेरियर तो यहीं पे एडजस्ट कर देंगे, नहीं तो मैं यहां माइनस में दिखा देता हूं, और इसमें ऐड कर देते हैं एक और अमाउंट अगर शेयर फॉर फीचर है तो, ऐड कर देंगे एक और अमाउंट, और यहां पे फिर से टोटल होगा। अब ध्यान से देखिए, आप टोटल की बात करें तो टोटल जो होगा ना वो सिर्फ यहां से लेके यहीं तक का होगा, ऊपर का हिस्सा टोटल नहीं होना है। ये टोटल उठ के जाएगा आपके नोट नंबर 1 में, कोई दिक्कत? तो नोट नंबर 1 हमने प्रिपेयर कर लिया। क्या क्या होगा नोट नंबर 1 में? सर ऑथराइज कैपिटल लिखेंगे, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है? इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस। अगर सर एग्जाम में क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल ना हो, ये वाला सेक्शन छोड़ो, यहां से स्टार्ट करो,
समझे। अगर आपको मन करता है कि ऑथराइज कैपिटल लिखना है तो जो इशू में है वही वाला अमाउंट डाल के आगे ऑथराइज करके कैरी कर सकते हो आगे, समझे बात आप। अब इसके बाद नोट नंबर कौन सा करेंगे हम, नोट नंबर कौन सा बताएं, नोट नंबर टू। टू किसका है, नोटिंग सबसे बाद में करना, आप पहले समझ लो। रिजर्व एंड सर, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है नहीं आता है वो सारी बातें। पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले लिखेंगे जनरल रिजर्व, इसके बाद और क्या आ सकता है, और आ सकता है कैपिटल रिजर्व, और क्या आ सकता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और क्या आ सकता है हमारा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और क्या आ सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम सर, और क्या आ सकता है यहां पे, और आ सकता है जनरल रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, और जो मेनली यूज होगा, मैं सिर्फ उसी पॉइंट का यहां डिस्कशन कर रहा हूं, एक्स्ट्रा पॉइंट और भी हो सकता है, और यहां पे हो सकता है हमारा सरप्लस। सरप्लस का मतलब पी एंड एल, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फाइनल अकाउंट में ये, तो इसके ऊपर डबल स्टार बना देता हूं मैं। सरप्लस यहां मैं फिलहाल लिख रहा हूं, और ये जो सरप्लस होगा ये ओल्ड होगा, इसमें ऐड करेंगे हम न्यू सरप्लस। सर ये ओल्ड और न्यू का क्या चक्कर है, जब क्वेश्चन होगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा, और मैंने अभी दोबारा यही बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो मुश्किल बच्चों को लगता है रिजर्व एंड सरप्लस का, नोट बनाने में दिक्कत आती है, क्योंकि यहां पे ओल्ड सरप्लस और न्यू सरप्लस को हमें कंपेयर करके लिखना होता है, क्योंकि हमें ओल्ड सरप्लस में से न्यू सरप्लस में से कुछ हिस्सा रिजर्व में भेजना होता है, तो यहां से माइनस हो जाता है और यहां पे जाके एड ऑन होता है, तो जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा डिजिट के साथ। अभी फिलहाल मैं ये लिख देता हूं, और क्या हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, शेयर ऑफ आउटस्टैंडिंग रिजर्व अकाउंट, और जितने भी रिजर्व अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, मैं लिख देता हूं, हालांकि ये आ गया। चलिए सात नंबर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और क्या हो सकता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, इन सभी को टोटल कर लेंगे। यूज में आने वाला क्या है उसके ऊपर मैं साथ के साथ स्टार बनाऊंगा, सो दैट आपको ज्यादा परेशानी ना हो और उसको रिटेन करें। जो यूज में होने वाला है ये आएगा बार बार रिपीट होके, ये आएगा आपके सामने, ये देखने को मिलेगा, सीआरआर भी देखने को मिलेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी देखने को मिलेगा, और ये बाकी जो नीचे दो लिखे मे बी हो और ना हो। तो नोट नंबर टू में मान लेते हैं इन सभी का जोड़ आ गया 1 करोड़ रुपए, तो नोट नंबर टू में आपको मेंशन कर देना है 1 करोड़ रुपए। हर किसी को विजुअल है मुझे ये बता दो साफ साफ, क्योंकि मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, क्योंकि सारे नोट मुझे कवर करने हैं आज पी एंड एल के साथ। यहां तक किसी को डाउट, जवाब नहीं आया, नो डाउट, क्लियर दिख रहा है आपको, विजुअल है ये बताइए। यस ठीक है, मैं बोलता भी जा रहा हूं हालांकि। अब आ जाते हैं फिर से, कितने नोट हैं आपको याद है, 15, कितने बन गए 2, ऐसे धीरे धीरे करते करते 2 क्या और ज्यादा नहीं, 10 नोट पी एंड एल के। अब आ जाते हैं हम नोट नंबर 3 पे, लेकिन नोट नंबर 3 से पहले, बढ़ने से पहले मैंने आपको बोला था मैं आपको पूरी बैलेंस शीट समझाऊंगा, और नोट नंबर 3 जहां पे मुझे लिखना चाहिए, जहां है शेयर वारंट, वहां पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, नोट नहीं लिखा हुआ। तो सर ऐसा क्या समस्या आ गई कि वहां नोट नहीं लिखा आपने, वहां पे क्या लिखा है शेयर वारंट। अब ये क्या होता है वारंट, और शेयर वारंट से क्या मतलब है। दो तरीके का शेयर होगा,
पहले क्या होता है, देखो शेयर्स की मैं बात करूं, जिसने कंपनी लॉ पढ़ा है बड़े उसको तो अच्छे से पता होना चाहिए। शेयर्स एक सर्टिफिकेट होता है, जब आप शेयर खरीदते हो किसी कंपनी का तो उसके ऊपर आपका नाम लिख दिया जाता है, आपका नाम लिख दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं आपका नाम है राम, नाम लिख दिया गया, सारी डिटेल होती है यहाँ पे, आपका नाम भी होता है साथ के साथ, नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के, सिग्नेचर वगैरह सब होंगे। मान लेते हैं ये आपका 5 लाख रुपए का शेयर है और अब आपको इसको बेचना है, तो अगर ये राम व्यक्ति है और अगर इसको ये बेचना है, सो दैट अगर इसको बेचना है तो क्या करेगा ये, किसी व्यक्ति को ढूंढेगा ये। अगर आपके पास शेयर इस फॉर्मेट में है तो ये समझ लेना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में नहीं है, आप सोचोगे डीमेट में बिक जाता है तो वो फॉर्मेट में नहीं है, हमारे बैलेंस शीट इस हिसाब से नहीं चल रहा। तो सो दैट आप एक व्यक्ति को ढूंढोगे जिसका नाम मान लेते हैं कि मोहन है। अब मोहन को आपने ढूंढा शेयर, मोहन एग्री भी करता है, अब मोहन इसको लेके तो आपको 5 लाख रुपए बिल्कुल नहीं देगा। मोहन क्या बोलेगा कि एक काम करो, आप मुझे शेयर दे रहे हो तो मेरा नाम इस पे जब तक नहीं चढ़ जाएगा, नाम चढ़ने का मतलब समझ रहे हो कि इसका नाम यहां से हटके मोहन का नाम जब तक नहीं देख लेगा मोहन, तब तक उसको 5 लाख नहीं देगा। और ये बात ठीक भी है, क्या पता ये 5 लाख दे दे और बोले मैं नहीं चढ़वा रहा नाम, आप जाओ। तो ये दोनों जो जाते हैं वो जाते हैं ROC के पास। सर ROC के पास क्यों, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी, वहां बोलेंगे दे दो फॉर्म, और फॉर्म वो देंगे, फिर ये फॉर्म भरेंगे और दोनों के ऊपर सिग्नेचर ये करेंगे, ये बोलने को तैयार है मैं बेचूंगा और ये बोल रहा है मैं खरीदूंगा, सब कुछ वहां होगा, अमाउंट वगैरह सब। जैसे फॉर्म भरा, फॉर्म भर के फिर ये जाएंगे कंपनी के पास और कंपनी में ये फॉर्म क्या करेंगे, डिपॉजिट कर देंगे। कंपनी बोलेगा रख दो, हमारे पास वक्त मिलेगा तो रिव्यू करेंगे हम। कंपनी अपने के पास 20 दिन 30 दिन 40 दिन 50 दिन 60 दिन तक रख सकता है रिव्यू के लिए। 60 दिन के बाद कंपनी का जब लास्ट डेट आ जाता है, बाउंडेशन है कि 60 दिन के बाद इसको उसके नाम चढ़ाना ही कंपलसरी है, लेकिन 60 दिन से पहले कंपनी रख सकता है। 60 दिन बाद उसके उसने क्या चढ़वा दिए नाम, अब मोहन क्या करेगा, राम को पैसे दे देगा। इस पूरे समय में 2 महीने से 3 महीने का वक्त लगता है। अगर यही चीज़ें रहे तो आपके पास अगर मान लो 10 लाख रुपए हैं और आप शेयर मार्केट में पैसे लगाना चाहते हो 1 महीने के लिए, तो क्या आप लगाओगे, नहीं लगाओगे, क्योंकि बोलोगे यार 1 महीने के लिए 10 लाख लगाएंगे, बेचने में 3-4 महीने लग जाएंगे तो हम नहीं लगाएंगे। तो इससे क्या हुआ, लिक्विडिटी क्या हो गई, कम। यानी आप शेयर वहां पैसे लगाना, अगर आपको बोलूँ ना कि अगर आपके पास 10,000 रुपये है, आप एक जगह लगाओ 10 के 12 मिलेंगे 1 महीने बाद, आप फट से लगा दोगे, और जहां मैंने बोला 1 साल बाद 10 के 20 मिलेंगे 1 साल बाद, तो वहां भी सोचोगे आप। तो शेयर मार्केट में इसलिए दिक्कत आने लगी, इन्वेस्टर पैसे लगाने को तैयार नहीं हो रहे थे। सो दैट कंपनी ने एक तरकीब निकाला कि एक काम करते हैं, यहां पर नाम ही नहीं लिखते, यहां पर नाम की जगह पर हम लिख देते हैं वारंट। लेकिन इसमें एक नुकसान था, पहले वाले में अगर राम लिखा था, राम अगर सो रहा है, उसका शेयर चोरी भी हो गया तो राम का ही रहेगा, वो फोन करेगा कंपनी में, मैं राम बोल रहा हूँ, मेरे नाम से शेयर था, मेरा शेयर खो गया, दूसरा शेयर भिजवाओ सर्टिफिकेट, वो भिजवा देगा। लेकिन वारंट अगर खो गया तो कंपनी में बोलेगा मैं राम बोल रहा हूँ, तो बोलेगा राम नाम का कोई शेयर नहीं है यहाँ पे, समझ रहे बात, राम नाम का मेरे पास कोई शेयर। इसका मतलब सिंपली वारंट में एक नुकसान है कि आपका शेयर खो गया तो जिसके हाथ लग जाएगा उसी का होगा, जिसे हम बियरर बोलते हैं। जैसे आपका रुपए 500 रुपए का नोट खो जाए तो जिसको मिला उसी का हो जाएगा, ठीक है ना। तो और आपका आधार कार्ड खो जाए तो आपका ही रहेगा, समझ में आई बात। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, यार एक काम करते हैं कुछ ना, हम तो ऐसे शेयर भी इशू करते हैं जिसके अंदर के उसको बेचने में समय लगे, उसको उसने यहाँ रखा इसमें शेयर कैपिटल में। कुछ ऐसे शेयर भी इशू करते हैं जिसके हाथ लग जाए वो फटाफट बिक जाए, उसको क्या बोलते हैं, शेयर वारंट। आज की डेट में शेयर वारंट की इतनी आवश्यकता नहीं रही जब से डीमेट हो गया है, क्योंकि अब डेली बेच सकते हो,
डीमेट अकाउंट में, शेयर मार्केट में अकाउंट खोलते हैं, सुबह लेते हैं और शाम को बेच देते हैं, आपने देखा होगा। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो शेयर वारंट अब नहीं रहे, बहुत कम प्राइवेट, कोई अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है तो वहाँ शेयर वारंट मिलेगा, अगर लिस्टेड कंपनी है तो वहाँ शेयर वारंट नहीं मिलेगा। तो शेयर वारंट का आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन में नहीं मेंशन होगा कि शेयर वारंट है। हालांकि नोट नंबर 3 मिलना चाहिए शेयर वारंट को, तो मैंने 3 नंबर क्यों दिया, क्योंकि क्वेश्चन में वो पूछा ही नहीं जाएगा। समझ में आ गया शेयर वारंट क्या होता है, वो शेयर जिसके ऊपर शेयर होल्डर का नाम, एक क्वेश्चन पूछा जाता है लॉ के अंदर, क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, या तो ऐसे पूछा जाता है कि एवरी शेयर होल्डर जो होते हैं, जिसके पास शेयर्स होता है वो कौन होते हैं, शेयर होल्डर, एवरी शेयर होल्डर का नेम क्या मेंशन होता है रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में। सर रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर क्या होता है, जहां पे शेयर होल्डर का नाम लिखा होता है उनका रजिस्टर होता है, क्या सभी शेयर होल्डर का नाम रजिस्टर में मेंशन होता है, तो जवाब है नहीं, क्यों, शेयर वारंट वाले का नाम होता ही नहीं। और डिफरेंस भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी शेयर कैपिटल एंड शेयर वारंट में, वो लॉ का हिस्सा है, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, समय खराब नहीं करना। तो समझ में आया नोट नंबर 3। इसके बाद एक चौथा पॉइंट था, शेयर मनी एप्लीकेशन पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, देखिए रजिस्टर में आप, मैंने इसके लिए बोल, इसके लिए भी नोट नहीं लिखवाया, चौथा पॉइंट नहीं था, सॉरी दूसरा पॉइंट था वो, है ना। अब होता क्या है, नॉलेज के लिए आपको जानकारी जरूरी है, अदरवाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बकवास पॉइंट है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है जरूरी, मान लेते हैं एक एक्स वाई जेड ने इशू किया शेयर, शेयर इशू किया और आप सब पब्लिक हो, आपने क्या करा, इसको पैसे दे दिए, जैसे ही इसके पास पैसे आए एक्स वाई जेड को क्या चाहिए, उसको शेयर कैपिटल इशू कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। एक्स वाई जेड बैठा है, बोल रहा मैं नहीं कर रहा बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, मैं नहीं करूंगा अभी, थोड़ा टाइम लूंगा। अब भाई कंपनी के पास तो पैसा आया हुआ है, क्या वो लोन है, लोन तो है नहीं, क्या क्रेडिटर है, क्रेडिटर भी नहीं है भाई, वो समझ रहे हो ना, लाइबिलिटी तो हो रही है कंपनी के ऊपर, लेकिन वो लाइबिलिटी क्या, शेयर कैपिटल है, इशू किया नहीं है शेयर कैपिटल। तो ऐसे सिचुएशन में उस कैपिटल को इशू करना पेंडिंग है, तो एक हेडिंग बना दिया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, यानी आप कंपनी ने पैसे तो ले लिए हैं, लेकिन वो वाली एंट्री जो कि करते हो आप शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, वो वाली एंट्री नहीं करी है उसने, तो नहीं करी है तो पैसा तो आपके पास है, तो आप क्या मानोगे, डिबेंचर मान नहीं सकते, बैंक से लोन मान नहीं सकते, क्रेडिटर मान नहीं सकते, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मान नहीं सकते, ये सब तो लाइबिलिटी है नहीं, तो उसके लिए एक अलग हेडिंग बना दिया गया। दोनों पॉइंट क्लियर हैं, ये सिर्फ नॉलेज के लिए पॉइंट आपके लिए जरूरी थी जो मैंने आपको बताया, एग्जाम पॉइंट से इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे हम नोट नंबर 3, जो कि नोट नंबर 3 किसके लिए था, याद करो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 3 रखा है हमने, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सर लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या आएगा, नंबर 1 डिबेंचर, परसेंटेज डिबेंचर, और नंबर 2 लोन, नंबर 3 और क्या आ सकता है सर इसके अंदर, लोन, बस दो ही चीजें लिख देते हैं, और लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन अगर देखो तो लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 12 महीने से ज्यादा के लिए अगर कोई कर्जा लो तो उसे क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म, शुरू से ये सीखते आए हम। तो ये आ गया हमारा नोट नंबर 3, सिंपल, ठीक है, और कुछ ज्यादा नहीं आने को, हालांकि और भी कुछ आ सकता है, पब्लिक डिपॉजिट और भी, तो जितने जितने काम की चीजें वो लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नोट नंबर 4 भी लिखवाया आपको, सर किसके आगे लिखा आपने नोट नंबर 4, अदर लॉन्ग टर्म, यहां पब्लिक डिपॉजिट लिख ही देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, लिख ही देते हैं, पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट वो होता है जो कि पब्लिक किसी बिजनेस को, जैसे सहारा है, नाम सुना है सहारा का, तो पब्लिक उसके पास कुछ पैसे जमा करा करती थी,
अकाउंट खुलवाते थे और वहाँ पे क्या करते थे, वो सहारा एक बैंक के नाम से था जो कि अब बैड डेट्स के कगार पे आ चुका है, तो उसके पास जमा करती थी। तो जब पब्लिक किसी कंपनी के पास जमा करती है तो क्यों जमा करती है, इंटरेस्ट ज़्यादा दे रही है इसलिए कर देते हैं। तो उसके लिए क्या है, एक तरीके से लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। अदर क्या था हमारा बताओ, चार नंबर किसके लिए था, रजिस्टर देखो, अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग। मैं लॉन्ग टर्म बोरिंग के लिए जगह नहीं है तो लॉन्ग टर्म LTV लिख रहा हूं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, ट्रेड पेबल, बस ट्रेड पेबल सर, ट्रेड पेबल और कुछ भी और कुछ नहीं आएगा, बस ट्रेड पेबल लिखो, टेंशन खत्म। ट्रेड पेबल क्या होता है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, अभी अगले नोट में हम देखेंगे। ये 12 महीने से ज्यादा का होगा तब आएगा, और कुछ भी है नहीं इसमें। नोट नंबर 5 देखो, दो ही नोट ज्यादा बड़े हैं, क्या था हमारा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सर लॉन्ग टर्म प्रोविजन की अगर हम बात करें तो क्या क्या आ सकता है, एक दो पॉइंट आएगा, जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स, नंबर 2 नंबर 2 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड एक्सेट्रा। अगर आप पूछोगे सर आप बताइए क्या अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमें याद करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, नहीं होगा जी, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इस पे होगा, बिल्कुल इसके ऊपर तो होगा ही होगा, इस पे स्टार बना दिया मैंने, ठीक है, इस पे नहीं होगा ना ही इसके ऊपर पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी नोट बना दिया मैंने। इसके बाद क्या आ गया था हमारा बताओ, नोट नंबर 4 6 शॉर्ट टर्म बोरिंग, इस पे होगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या क्या आता है, दो ही चीजें आएंगी वैसे तो, एक तो आता है हमारा मेनली बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवर, और क्या आ सकता है नंबर 2 कैश क्रेडिट, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग है तो लोन भी आ सकता है यहां पे, सर लोन तो आपने ऊपर लिखा है तो यहां क्यों, यहां का लोन है 12 महीने से ज्यादा का और यहां का लोन है 12 महीने से कम का। डिबेंचर भी आ सकता है यहां पे, वो डिबेंचर जो 12 महीने से कम का होगा, ठीक है ना। अब मेरा एक क्वेश्चन मेरा है, मान लेते हैं ये आपके सामने मैंने एक डेट लिखा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और 5 साल, यहाँ मैंने डिबेंचर इशू किया है 5 लाख का, ठीक है, यहाँ डिबेंचर इशू किया है मैंने कितने का, 5 लाख का। तो आप मुझे बताइए अगर मैंने यहाँ डिबेंचर इशू किया है 5 लाख का और मैं रिडीम इस डेट पर करूँगा इस साल में, किस में जाएगा, लॉन्ग टर्म में, इस साल आ गया किस में जाएगा, 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 शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, पांचवें साल तो देना ही है, यानी हर साल के हिसाब से मेजर किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि जिस साल आपने इशू किया है उसके हिसाब से मेजर होगा, मैं बस ये समझाना चाहता हूं। यानी लॉन्ग टर्म जो होता है वो कैन बी शॉर्ट टर्म हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन यहां पे एक समस्या ये है सर, वो शॉर्ट टर्म कब होगा, जिस साल रीपेबल करना होगा, समझ रहे हो ना बात। अगर क्वेश्चन में बोल देता है कि अगले साल इसी साल हम डिबेंचर को भी रिडीम करेंगे तो आप डेट काउंट करके वहां पे देख सकते हो, ठीक है। हालांकि पूछा नहीं जाता लेकिन मैंने एक तरीके से बता दिया, हर बार लॉन्ग टर्म नहीं होता। चलिए जी ये भी डन, अगला नोट कौन सा है हमारा, ट्रेड पेबल, इसको नीचे तक ले जाते हैं अगर स्पेस है हमारे पास तो, क्योंकि अभी एसेट्स भी हमारे पास,
ट्रेड पेबल, नोट नंबर 3। ट्रेड पेबल में क्या क्या होता है, दो ही चीजें आती है यहां पे, एक क्रेडिटर और एक नंबर दो बिल्स पेबल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीपी भी बोलते हैं। सर ऊपर भी ट्रेड पेबल आपने लिखा है, बिल्कुल वो 12 महीने से ज्यादा के लिए होगा और ये 12 महीने से कम होगा, बस फर्क कितना है लॉन्ग टर्म में, 12 महीने से ज्यादा के लिए और यहाँ 12 महीने से कम के लिए। अगले नोट पे चलते हैं आप फिर से। कितने नोट हो गए, 7। कोशिश करते हैं कि सारा नोट एक बोर्ड पे बन जाए मेरे कम से कम। नोट नंबर 8 किसका था हमारा, अदर करंट लाइबिलिटी, ठीक है सर। अदर करंट लाइबिलिटी में क्या क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दिया, इंपॉर्टेंट, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कोई भी हो सकता है, इंटरेस्ट पेबल, एडवांस इनकम, अनक्लेम डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस, एंड अदर। ये हमारा किसका रहेगा, अदर करंट। क्या सर इसमें कुछ और भी आ सकता है, बिल्कुल और भी, जो कि शॉर्ट टर्म में हमें पेमेंट करना हो किसी आउटसाइडर को। आउटस्टैंडिंग में तो हालांकि हमने सारा पार्ट कवर कर ही लिया है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा यहां पे टोटल, इंपॉर्टेंट काफी है। नोट नंबर 9, नोट नंबर 9, शॉर्ट टर्म लास्ट नोट लाइबिलिटी का, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसमें क्या क्या आएगा सर, इसमें एक ही बात मेन है, प्रोविजन 4। पहले एक चीज और हुआ करता था इसमें, प्रोविजन 4 डेप्रिसिएशन डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, लेकिन वो अब नहीं आता यहां पे। तो एक ही पॉइंट मेन है, प्रोविजन 4 टैक्स। नंबर 2, कई बार एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वैसे तो वो अदर करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ नाम सुना है ना आपने, तो वो या तो यहां जाएगा या लॉन्ग टर्म में जाएगा। मैं यहां पे ब्रैकेट में डाल देता हूं ईपीएफ। बस एक ही पॉइंट रहेगा इसमें, काफी इंपॉर्टेंट है ये, एक पॉइंट है लेकिन हर एक क्वेश्चन में ये होगा ही होगा, जरूर होगा, ठीक है ना। लाइबिलिटी के बाद अब आ जाते हैं नोट नंबर 10। नोट नंबर 10 किसका है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट AS-10 PPE जिसे बोलते हैं, समझे बात। इसमें क्या क्या आएगा, नंबर 1, नंबर 2। अच्छा सर इसके ऊपर ना एडजस्टमेंट भी होता था पहले फाइनल अकाउंट में, क्या वो इसी में माइनस करना है, बिल्कुल यहीं पे लिखेंगे और लेस डेप्रिसिएशन कर देंगे, समझ में आई बात आपको। इसके बाद नंबर 2, नंबर 3 मशीनरी, आप समझ सकते हो सारा, नंबर 4 फर्नीचर, और ऐसे देखा जाए तो बहुत सारा लिस्ट बन जाएगा। फर्नीचर के बाद आपका कंप्यूटर भी बन सकता है, मोटर कार भी बन सकता है, बहुत सारा। तो आप समझ गए जो टेंजिबल फिक्स एसेट्स था वो आएगा। मैंने हालांकि कुछ एग्जांपल लिख दिया है, बाकी और भी कुछ हो सकते हैं वो आप समझ जाओगे। नोट नंबर 10 के बाद चलते हैं नोट नंबर 11 पे। नोट नंबर 11, नोट नंबर 11 किसका था, इंटेंजिबल एसेट। सर इंटेंजिबल एसेट्स में हालांकि होते बहुत कुछ हैं। नंबर 1 सबसे पहले
नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, बताइए। आपका साथ में हो सकता है ट्रेडमार्क, और भी कुछ हो सकता है कि और भी हो सकता है लू मार्स हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है इसमें। लेकिन एग्जाम में गुडविल और पेटेंट के ऊपर ही ज्यादा जोर दिया जाएगा, हो सकता है सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर, ठीक है ना। तो आपको देखोगे ना तो बुक में तो दे ही रखा है वैसे भी, हालांकि मैं उन चीजों को यहां पे कर रहा हूं, और जो चीजें आपके रियल लाइफ में जरूरी पड़ेगी ना हमेशा, उस चीजों को मैं कभी नहीं छोड़ता, उस चीजों को मैं डिस्कस करता हूं वेदर एग्जाम में आए या ना आए। और जो चीजें एग्जाम में आए, जो एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रहा हूं कि बुक के अंदर देखोगे तो पढ़ने को मिल जाएगा, और यह मैंने बोल ही दिया आपको। चलिए अगले पे चलते हैं। अब नोट नाइन में चार क्या लिखा है? नोट नाइन में नाइन कहां गया भाई? एक ही लिखा है, चार तो है ही नहीं। नोट नाइन में चार कहां लिखा है मैंने भाई? प्रोविजन फॉर टैक्स है। इलेवन में चार, अच्छा इलेवन में चार है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला पेटेंट ट्रेडमार्क ग्यारहवीं क्लास में पढ़ चुके हो, जैसे मेडिसिन वगैरह का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, मेडिसिन वगैरह बनता है तो फॉर्मूला कोविड का है। अब आप कोविड शील्ड अगर बना के बेचने लगोगे तो केस कर देगी गवर्नमेंट आपके ऊपर, क्योंकि उसका फॉर्मूला किसने बनाया है? जो भी बनाता है, जैसे इंडिया के अंदर जो भी मेडिकल साइंस का जो सारा रिसर्च करते हैं R&D वाले, उन्होंने बनाया, आप नहीं बना सकते। तो वो फॉर्मूला भी एक तरीके से रजिस्टर्ड होता है, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है ना। चलिए अगला नोट किसका था? अगला नोट था ही नहीं, अब उसे समझना तो जरूरी है। मैं लिख देता हूं सिर्फ नोट नंबर 12, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? ये मान लो एक जमीन है, अगर ये जमीन होता तो यहां लिख देता, और मैंने क्या करा, नींव डाल दिया। अब ये जमीन तो रहा नहीं और बिल्डिंग भी नहीं रहा। अगर लैंड में डालते हो गलत, बिल्डिंग में डालते हो तो कैसा मकान बनाया आपने ये, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो इसको ऐसा एसेट्स जो कि कंप्लीट हुआ नहीं है, उस एसेट्स का नामकरण अभी किया नहीं जा सकता, तो ऐसे एसेट्स को बोल देते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। यानी वो कैपिटल, अभी कैपिटल का मतलब शेयर कैपिटल नहीं, एसेट्स को भी कैपिटल एसेट्स बोला जाता है। तो वो एसेट्स है जो कि अभी समय लगेगा उसका एक्चुअल नाम आने में, और जैसे इसके ऊपर छत आ जाएगा, घर बन गया, अब क्या करेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बैलेंस शीट में से काटेंगे, और काट के कहां देख देंगे, बिल्डिंग में या लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी बोल लो आप, समझ गए बात। तो हालांकि मैंने किस लिए नोट नहीं लिखवाया, ऐसा पॉइंट आपके क्वेश्चन में नहीं होगा, लेकिन जानना जरूरी है, समझे। अगला है हमारा इंटेंजिबल एसेट्स डेवलपमेंट। सिंपल सी बात है, हम अपने लाइफ की बात करें, नॉर्मल लाइफ जी रहे थे हम 2019 से, हमें कुछ पता ही नहीं था। 2019 दिसंबर के बाद अगर हम अप्रैल की बात करें, 2020 सब कुछ बंद हो गया, ठीक है, कोविड, कोविड की वजह से सबका काम करने का तरीका, सारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिल्कुल उथल पुथल हो गया। अब सारे देश का और सारे कंट्री के लोगों का एक ही उद्देश्य था, मेडिसिन बनाया जाए, वैक्सीन बनाया जाए। और वैक्सीन बनाने के टाइम पे एक न्यूज़ आता था तो हर कोई, किस कोई जानता था कि कितनी बड़ी न्यूज़ थी उस टाइम पे। अब तो आपको लग रहा है बूस्टर में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना,
पहले क्या था, अरे इसने रशिया ने बना दिया, यूएस ने बना दिया, लेकिन बाद में आता है अभी ट्रायल चल रहा है, अभी बनानी है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जब मान लेते हैं इंडिया ने ही, एक तो हमारे देश में रामदेव बाबा ने भी बनाया था, आप सभी को पता होगा। तो अब इसके अंदर क्या है, अंडर डेवलपमेंट का मतलब समझना, 2020 से लगे हुए थे वो बनाने में, 20 में भी नहीं बन पाया, 21 में जाके कहीं वो बनाने में कामयाब हो पाए थे। तो एक साल लग गया था ना, और एक साल बाद डन हो गया था कि उसने फॉर्मूला बना लिया है, फॉर्मूला बना लिया, और फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लेकिन 2020 में फॉर्मूला बना था नहीं बना था, तो क्या मैं फॉर्मूला का नाम दे दूं उसको, नहीं दे दूं, वो सक्सेस हो भी सकता था नहीं भी, लेकिन बनता जब भी उसका फॉर्मूला तो वो जाता कहां, इंटेंजिबल। तो इसलिए एक नाम और ड्राइव किया, क्योंकि मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूं, कंपनी आरएनडी करती रहती है, जितनी टेक्नोलॉजी कंपनी है, जितने भी टेक्नोलॉजी कंपनी है उसके अंदर आप देखोगे क्या, कभी आप देखते हो एप्लीकेशन पे अपडेट आ गया, तो वो हमेशा क्या करती है, रिसर्च डेवलपमेंट हमेशा करती रहती है, जिसकी वजह से क्या रहता है कि उनका एक हेडिंग बनाना जरूरी पड़ गया कि आपका इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स तो होगा वो आगे, लेकिन अभी पूरा, तो वैसे एग्जाम में इसके ऊपर पॉइंट्स नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या पॉइंट है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए, इसके बाद हमने नोट डाला था, नोट नंबर क्या था, 12, किसके लिए था, लॉन्ग टर्म, हाँ, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सर ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कंपनी जितने भी है वो समय समय पे अपने फ्यूचर के जब एक्स्ट्रा पैसा होता है तो वो क्या करती है, या तो इक्विटी शेयर में पैसा लगा देगी, या तो फिर वो डिबेंचर में पैसा लगा देगी, मैं लगाने की बात कर रहा हूँ दूसरी कंपनी में, या फिर उसने क्या करवा दिया, FD करवा दिया, फिक्स डिपॉजिट, या फिर उसने क्या करा, कोई लैंड वगैरह ले लिया है। सर लैंड यहाँ पे है तो यहाँ क्या कर रहा है, ये वाला लैंड कंपनी अपने इस्तेमाल के लिए रख रहा है, और ये वाला जो जमीन है वो इस उम्मीद से रखा है कि महंगा होगा तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया, और अपने इस्तेमाल के लिए जो कंपनी रख रहा है वो क्या हो गया, एसेट्स हो गया। तो इसका आपका सिंपल, बहुत रेयर चांसेस पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब भूलना भी नहीं है आपने, है ना। तो ये हमारा नोट नंबर 12। नोट नंबर 13, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। सर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस क्या होता है, एम्प्लॉय को लोन दे दिया आपने, एम्प्लॉय को लोन दे दिया, सर एम्प्लॉय को लोन देने का मतलब कोई एम्प्लॉय आपका बहुत भरोसेमंद है, उसने बोला सर मुझे पैसा चाहिए, मुझे अपना मकान बनाना है, बोला कितने की जरूरत है, 5 लाख रुपए चाहिए, दे दिया मालिक ने 5 लाख, देते हैं नहीं देते हैं? दे देते हैं, और वो क्या करता है, धीरे धीरे उसके सैलरी में से काटता रहता है, ये सभी ने सुना होगा। तो लोन मैंने एम्प्लॉय को अगर 5 साल के लिए दिया है तो लॉन्ग टर्म हो गया, और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस हो गया, मैंने लोन दिया एडवांस के रूप में दिया, तो हो सकता है एम्प्लॉय का लोन, ऐसे ही अदर भी एडवांसेस हो सकता है, मैंने सप्लायर को दे दिया, हो सकता है ना, क्रेडिटर से सामान लेने जाओगे ना तो कुछ तो ऐसे होते हैं जिनकी ब्रांड वैल्यू बनी हुई है, बोलते भैया हम ऐसे आपको सामान नहीं देंगे, पहले आप मेरे पास डिपॉजिट करवाइए पैसे, उसके बाद हम आपको माल सप्लाई चालू करेंगे। तो यानी आपको अगर वहां पे सामान लेना है तो पहले क्या करोगे, आप कुछ पैसे एडवांस दोगे, और बोलेगा ये एडवांस तो आपका हमेशा क्या होगा, आगे पीछे होता रहेगा, तो वो भी क्या हो गया, एडवांस टू क्रेडिटर, तो एडवांस टू क्रेडिटर हो सकता है। ये आ गया है, हाँ ठीक है। चलिए नोट नंबर 14, नोट नंबर 14 कौन सा है, नोट नंबर 14 कौन सा रह गया,
अच्छा, अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स जो है वो एसेट्स जो कि अभी तो पता नहीं है, लेकिन लॉ मेकर को और कम कानून को पता चलेगा कि ये एसेट्स यहाँ आ सकता है तो वहाँ लिखेंगे। वैसे यहाँ पे अदर करंट एसेट्स में पहले आया करता था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट से पहले के खर्चे, और उसको कितने साल में डिवाइड करना है हमें, 5 सालों में डिवाइड करना है, पता है ना कितने सालों में डिवाइड करना है, 5 साल में। मान लो 5 लाख रुपये का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, तो अब मैंने खर्च कर दिए तो एडवांस में खर्चा हो गया, तो एसेट्स में तो जाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स है नहीं, फिक्स एसेट्स है नहीं, तो कहाँ लिखते थे हम, अदर नॉन करंट एसेट्स। लेकिन जब से रिवाइज हुआ है ना हमारा AS 27, हाँ AS 27, जिसके अंदर बोला गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिवाइज हुआ है कि अब आप ना प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को 5 साल में मत करिए, एक ही बार में दिखा के ख़त्म करिए, तो सो दैट अब उसका इतना रेलिवेंसी नहीं है, और कुछ अदर एसेट्स आ सकते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नोट नंबर 14 क्या था, करंट इन्वेस्टमेंट। सर करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट जिसको हम एक साल के अंदर अंदर बेच के पैसे निकाल सकते हैं। तो क्या क्या हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लैंड भी हो सकता है एक साल के अंदर बेचने का अगर आपका इरादा हो तो, यानी जो भी यहां पे लिखा है आपने इन्वेस्टमेंट वो सारा, बस फर्क क्या है, वो एक साल के बाद आपने बेचना है और ये एक साल से पहले बेचना है। तो यानी यहां पे मैं लिख सकता हूं इक्विटी शेयर को ना यहां पे थोड़ा सा अलग ढंग से लिखेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटी, और इसी तरीके से लिख सकते हैं हम डिबेंचर एंड एक्सेट्रा, खत्म कहानी, ज्यादा नहीं लिखना। नोट नंबर 15 इन्वेंट्री, नोट नंबर 15 इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर हालांकि आपको इन्वेंट्री दो तरीके के होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, मेनली देखा जाए तो ओपनिंग और क्लोजिंग तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में सीखेंगे। यहां पे जो आता है ना इन्वेंट्री वो हमेशा आता है क्लोजिंग इन्वेंट्री। और सर इन्वेंट्री के भी टाइप हैं, 3 टाइप के इन्वेंट्री होंगे, या तो होगा आपका रॉ मटेरियल वाला, या होगा आपका वर्क इन प्रोग्रेस वाला, या होगा फिनिश गुड्स वाला, और ये तीनों आपको एग्जाम में गिवन होगा। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, कच्चा माल। WIP वर्क इन प्रोग्रेस, अभी माल तैयार नहीं हुआ, तैयार होना बाकी है। FG फिनिश गुड, जो माल तैयार हो चुका है, अलग अलग अमाउंट देगा आपको, तो अलग अलग देता है तो अलग अलग लिख देंगे, और अलग 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 नहीं देता तो हम एक साथ लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और रही बात ये कौन सा होगा, ओपनिंग या क्लोजिंग, मैंने इसलिए स्पेशली लिख दिया, यहाँ पे हमेशा आएगा क्लोजिंग। नोट नंबर 15 के बाद नोट नंबर 16 किसका था हमारा, ट्रेड। तो यहाँ थोड़ा मुझे मैनेज करना पड़ेगा मुझे लगता है कि नहीं, कहाँ लिख ले, लिख लेते हैं तो फिर तो 1 घंटा लग जाएगा, रुक जाओ। चलो अब छोटे छोटे नोट हैं, आ रहे हैं। नोट नंबर 16 क्या है जी, नोट नंबर 16 ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल सिंपल सी बात है, आपको पता है डेटर और बिल्स रिसीवेबल, आपने तो पूरा प्रॉपर लिखना है, मेरे पास स्पेस की कमी है, आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। नोट नंबर 17 किसका था, कैश एंड कैश, सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, दो ही चीजें आती है इसमें, एक कैश इन हैंड जिसे कैश का बैलेंस बोलते हैं, और एक बैंक का बैलेंस।
17 के बाद नोट नंबर 18 बताइए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहां से आ गया? शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। सर इसके नीचे शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में क्या जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में जाएगा बिल्कुल सेम लॉन्ग टर्म वाला। यानी क्या हो सकता है, एम्प्लॉय, डबल ई लिख रहा हूं, सीख ठीक है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय का लोन, और क्या हो सकता है एनी एडवांस। जगह नहीं है इसलिए आपको तो मैंने बता दिया, आप एज इट इज यही लिखेंगे, बस वहां पे कर देंगे शॉर्ट टर्म। अगला क्या है, करंट अदर करंट एसेट। लास्ट नोट नोट नंबर 19, अदर करंट एसेट। जिसको नहीं दिख रहा तो मैं बोल तो रहा हूं, कोशिश तो कर ही रहा हूं कि दिख जाए। क्या क्या आ सकता है, प्रीपेड, और क्या हो सकता है एक्रूड, बस दो ही पार्ट है। क्या क्या मैंने लिखा, प्रीपेड और एक्रूड। मैं बोल देता हूं 19 में अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड और एक्रूड। इस तरीके से हमारा सारा बैलेंस शीट कंप्लीट होगा। अब हमारा काम पी एंड एल का रहता है। हालांकि ऐसा रहेगा कि जो क्वेश्चन करेंगे, क्या हमें सारे क्वेश्चन में इस तरीके से करना है? डेफिनेटली सारे क्वेश्चन में इतने ही नोट बनेंगे, बैलेंस शीट भी करोगे सारे क्वेश्चन में। यानी ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये चैप्टर जो होगा लेंथी होगा। एक क्वेश्चन करने में आपको कम से कम 7 से 8 पेजेस का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, ठीक है ना? क्यों, आप पहले पेज में बैलेंस शीट बनाओगे, ये अभी नोट करोगे तो आप भी देखोगे 3 से 4 पेज में चला जाएगा, ठीक है? 3 से 4 पेज में ये चला जाएगा। इसके बाद पी एंड एल के भी नोट बनेंगे आगे, तो पी एंड एल एक पेज में जाएगा, उसके बाद उसके नोट भी 3-4 पेज में चले जाएंगे, है ना? तो इस तरीके से रहेगा। तो आप फटाफट से नोट करिए, इसमें डाउट वाला कोई पॉइंट है ही नहीं, अभी कराए नहीं, तो इसे नोट कर लीजिए आप। और देखो कुछ बच्चे ये गलती बिल्कुल भी ना करें, आप जो बच्चे इमेज क्लिक कर रहे हैं बाद में कर लेंगे, इतना सारा कर रखा है कैसे करेंगे, नहीं करेंगे तो तो सिंपल सी बात है कि नोट नहीं करोगे ना ये चैप्टर नहीं होगा आपका। मैंने एक बात क्लियर बोल दी आपको, आप जितना मर्जी सोच लो नहीं होगा ये चैप्टर। एक इमेज मुझे भी भेज देना ताकि ग्रुप में डाल दूं मैं। ये थोड़ा देखो मैंने ऐसे लिखा है, बट समझ जाओ अदर करंट एसेट्स है, ठीक है? अब एक पी एंड एल बात है, पी एंड एल को भी देखेंगे। फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप। नोट 12 क्या है? नोट नंबर 11, 12 है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट।